क्या आपको पता है हम फ्री फायर में डायमंड ट्रांसफर क्यों नहीं कर सकते एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट तक? लाइक जैसे कि हम लोग गिफ्ट स्टोर से कुछ चीजें गिफ्ट कर सकते हैं, मतलब एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट में, वैसे डायमंड क्यों नहीं कर सकते? मतलब यहाँ पे होना तो चाहिए था, अगर हम लोग ऐसी चीजें गिफ्ट कर सकते हैं एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट में तो वैसे डायमंड भी कर सकते थे, लेकिन यहाँ पे ग्रीन वालों ने ये डायमंड का ऑप्शन क्यों नहीं दिया, या फिर हम गाइस डायमंड क्यों नहीं ट्रांसफर कर सकते एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट में? तो क्या आपको इस चीज के पीछे का रीजन पता है? अगर नहीं पता तो वीडियो को एंड तक जरूर से देखते रहना, आप लोगों को पता चल जाएगा। तो जी हाँ गाइस, आज के इस वीडियो में हम कुछ मिस्ट्रियस फैक्ट्स के ऊपर बात करने वाले हैं जिसके बारे में आप लोगों को बिल्कुल भी पता नहीं होगा, है ना ही आप लोग इससे पहले कभी ये फैक्ट सुने होंगे। बट हाँ, आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है, अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ नोटिफिकेशन बेल आइकन को ऑल पे सेट जरूर से कर देना, क्योंकि हमारे चैनल पे आप लोगों को ऐसे वीडियोस देखने के लिए मिलता रहता है। एंड हाँ भाई लोग, हम इंस्टाग्राम पे भी है, तो मेरे को इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हो, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। आते हैं मैं टॉप 6 नंबर मिस्ट्रियस फैक्ट्स के ऊपर। अभी जो फ्री फायर में नए रिसेंटली इंक्यूबेटर बंडल्स आ रहे हैं, अगर आप लोगों ने नोटिस किया होगा तो वो बंडल एक ही रहते हैं, मतलब ठीक है लड़का कैरेक्टर के लिए या फिर लड़की कैरेक्टर के लिए एक ही बंडल रहता है, आप दोनों में गाइस एक ही बंडल को पहना सकते हो। बट गाइस आज से 6-7 महीने पहले जो इनक्यूबेटर बंडल आते थे उसमें गाइस अलग अलग होता था, मतलब लड़की के लिए अलग आता था एंड लड़का के लिए अलग आता था। तो गाइस मैं आप लोगों को बताता हूँ इसके पीछे का रीजन क्या है। लाइक जैसे ही पहले गाइस लड़का एंड लड़की के लिए अलग अलग बंडल आता था तो उसमें क्या होता था कि आप लोगों को ये बात पता होगा फ्री फायर में मेजोरिटी गाइस लड़का का ज्यादा है लड़की के हिसाब से, मतलब फ्री फायर में जो भी बंदे खेलते वो गाइस लड़के ज्यादा खेलता है, ठीक है लड़की भी खेलती है लेकिन इतना ज्यादा नहीं खेलता है, मेजोरिटी यहाँ पे लड़का का ज्यादा है। एंड इससे गाइस लड़के ज्यादा बंडल्स निकालते हैं लड़की के हिसाब से, मतलब गाइस आप लोगों को पता होगा अगर कोई बंदा लड़का कैरेक्टर यूज करता है तो वो लड़का का ही बंडल निकालेगा, थोड़ी ना लड़की का बंडल निकालेगा, ठीक है। एंड जो लड़की का बंडल निकालते हैं वो बहुत ही कम होते हैं, मतलब बहुत ज्यादा कम होते हैं जो लड़की का बंडल भी निकालते हैं। तो इससे क्या हो रहा था, फ्री फायर को कहीं ना कहीं थोड़ा सा लॉस हो रहा था, ठीक है, क्योंकि वो जो बंडल्स बना रहे वो बंदे नहीं ले रहे थे, मतलब यूज ही नहीं कर रहे थे, कोई ले ही नहीं रहे थे, क्योंकि लड़की का बहुत कम ही बंदे लेते हैं वो सब बंडल। एंड इसी वजह से गाइस यहाँ पे गरीना ने अभी ये सिस्टम निकाला है कि आप लोग को सिर्फ एक ही बंडल प्रोवाइड किया जाएगा एंड वो बंडल दोनों कैरेक्टर में आप लोग पहना सकते हो। तो इससे क्या होगा कि जो लड़की का है वो भी लेगा, ठीक है, जो लड़का का है वो भी लेगा, एंड इससे गाइस दोनों तरफ फायदा हो रहा है, गैना को भी बंडल्स कम यहाँ पे निकालना पड़ रहा है, ठीक है, लड़की के लिए डिजाइन करना अलग से नहीं पड़ रहा है, एंड तो ये दोनों तरफ ही फायदा है एंड अभी ये बैलेंस है पूरी तरीके से। टॉप 5 नंबर लिस्ट में जो गाइस मिस्ट्रियस फैक्ट आता है ये बरमूडा रीमास्टर्ड मैप को लेकर है। गाइस अगर आप लोगों का मन नहीं कर रहा है कि बरमूडा रीमास्टर्ड मैप खेलने का तो आप लोग अभी हटा नहीं सकते इसको, ठीक है, मतलब आप लोगों को गाइस खेलना ही पड़ेगा क्योंकि आप लोगों का इसे डिलीट करने का ऑप्शन नहीं है एंड आप इसे अभी अलग से डाउनलोड भी नहीं कर सकते, ताकि गाइस आप लोग मतलब इसको या फिर ना डाउनलोड करो तो ये आएगा ही नहीं गेम में, ऐसे हो ही नहीं सकता अभी, ठीक है। बट गाइस आज से जब फ्री फायर में नए नए बरमूडा रीमास्टर्ड मैप आया था तो गरीना ने ये सिस्टम निकाला था कि जो बरमूडा रीमास्टर्ड मैप नहीं खेलना चाहता वो डाउनलोड ना करे तो उसके गेम में नहीं आएगा, ठीक है, जैसे कि परगेटरी मैप है। बट गाइस अभी आप लोगों को ऐसा सिस्टम नहीं दिया गया है, मतलब अभी अगर आप लोग मतलब यहाँ पे आपका मन हो या ना हो आपको यहाँ पे खेलना ही पड़ेगा बरमूडा रीमास्टर्ड मैप, ये गाइस कंपलसरी है, मतलब जो डाउनलोड करते हो उसके बीच में आ जाता है ये गरीना ने इसीलिए किया क्योंकि जो फ्री फायर प्लेयर्स थे वो बरमूडा रीमास्टर्ड मैप को पसंद ही नहीं करते थे एंड वो खेलना ही नहीं चाहते थे, ठीक है, इसी वजह से गाइस बरमूडा रीमास्टर्ड मैप को डाउनलोड ही नहीं करते थे वो एक्सपेंशन पैक से। बट गाइस जब से यहाँ पे बरमूडा रीमास्टर्ड एक्सपेंशन पैक को हटा दिया गया गरीना ने, तब से बंदे यहाँ पे कंपलसरी हो गया उनके कि गाइस वो डाउनलोड करना ही पड़ेगा एक्सपेंशन पैक, उसके बीच में बरमूडा रीमास्टर्ड मैप भी आ जाएगा। तो ये भी मतलब गरीना का एक तरीके से स्ट्रेटेजी था बोल सकते हो। टॉप 4 नंबर मिस्ट्रियस फैक्ट ये है कि गाइस ग्लूअल के बारे में आप लोगों को क्या लगता है कि जो ये ग्लूअल है ये सिर्फ कवर के लिए दिया है गरीना ने? ऐसा बिल्कुल ही नहीं है गाइस। जब ये ग्लूअल पहली बार लॉन्च हुआ था तो गरीना का ये मोटिव था कि जो ये ग्लूअल है इसको गाइस मतलब यहाँ पे कवर के लिए भी दिया जाए, उसके साथ ही ये क्लाइंबिंग के लिए भी यूज करे बंदे, ठीक है। इसीलिए गाइस आप लोगों को पता होगा कि फ्री फायर में जब पहली बार ग्लूअल आया था उसमें एबिलिटी था, क्लाइमेबिलिटी था, ऐसा कुछ था, ठीक है, मतलब क्लाइम करने के लिए एबिलिटी दिया गया था। एंड दैट्स द रीजन गाइस वो वॉल भी मतलब यहाँ पे टेढ़ा जैसा होता था, आप लोगों ने नोटिस किया होगा तो। बट यहाँ पे बंदे क्या करते थे इसके उसको कवर करने के लिए यूज करा करते थे, ठीक है, मतलब उसको कोई बंदा क्लाइम के लिए यूज ही नहीं करता था। एंड इसी वजह से गाइस गरीना को यहाँ पे मजबूरन जो कि ग्लूअल का था वो एबिलिटी वगैरह सब कुछ हटाना पड़ा क्योंकि बंदे उसे यूज ही नहीं कर रहे थे, कोई भी क्लाइम करने के लिए यूज ही नहीं कर रहा था, तो इसीलिए इसको परमानेंटली मतलब कवर के लिए ही बना दिया गया फ्री फायर में। टॉप 3 नंबर लिस्ट में जो गाइस मिस्ट्रियस फैक्ट आता है ये है इलाइट पास के बारे में। आप लोगों को पता होगा अभी अगर आप लोग इलाइट पास लेते हो तो आप लोगों को कुछ भी रिवार्ड नहीं मिलता है। बट अगर मैं आप लोगों को कहूँ कि गाइस पहले आप लोग इलाइट पास लेने के समय पे आप लोगों को 100 डायमंड भी फ्री में मिलता था,
जी हाँ, आप लोग बिल्कुल ही सही सुन रहे हो। आप लोगों को पता होगा जब भी आप लोग नए नए इलाइट पास लेते थे, ठीक है, तो उधर गाइस इलाइट पास के इवेंट में ऐसा कुछ इवेंट होता था, ठीक है, न्यूज़ जैसा कुछ होता था, एंड उस पर जैसे आप लोग क्लिक करते थे, आप लोगों को रिवार्ड के हिसाब से गाइस 25 डायमंड एंड उसके बाद एक डायमंड रॉयल वाउचर भी मिलता था, फिर उसके बाद गाइस एक 75 का डायमंड भी मिलता था। मतलब टोटल देखा जाए तो गाइस 160 डायमंड मिलता था, ठीक है, क्योंकि एक डायमंड रॉयल का वाउचर का प्राइस होता है 40 डायमंड, एंड इसकी वजह से गाइस यहाँ पे 160 डायमंड आप लोगों को फ्री में मिल जाता था जब भी आप लोग इलाइट पास लेते थे। बट अगर देखा जाए तो यहाँ पे आप लोगों को 100 डायमंड ही मिलता है, मतलब एक तो डायमंड रॉयल वाउचर मिलता है जो कि ऐसे बंदे यूज़ कर देते हैं, बट जो रियल में डायमंड मिलता था वो 100 डायमंड आप लोगों को फ्री में मिल जाता था। एंड ये जो 100 डायमंड आप लोगों को फ्री में गईना देता था, अभी आप लोगों को नहीं देता है, ठीक है, अभी अगर आप लोग इलाइट पास लेते हो तो ऐसा सिस्टम ही नहीं आता है, इसको हटा दिया गरीना ने। तो क्या आप लोगों को इसके बारे में पता था, ये मेरे को नीचे कमेंट करके जरूर से बताना। एनीवे साथ है मैं टॉप 2 नंबर मिस्टेक्स फैक्ट के ऊपर। आप लोगों को पता होगा गाइस जब आप लोग गेम खेलते हो एंड गेम में आप लोगों को लाइक भी मिलते होंगे, ठीक है, बट आप लोग गेम कभी कभी अचानक से बैक कर देते हो और आप लोग देख नहीं पाते कि इस गेम में हमको कितना लाइक मिला है। बट गाइस अभी आप लोग देख सकते हो, जी हाँ, अगर आप लोग गेम बैक भी कर देते हो, मतलब ठीक है, अगर आप लोगों ने गेम पे देखा ही नहीं कितने लाइक मेरे को मिले, बट आप लोग गाइज आप लोग गेम के अंदर आके, मतलब यहाँ पे लॉबी में आके आप लोग देख सकते हो। कैसे गाइज मैं आप लोग बताता हूँ, जैसे कि आप लोग हिस्ट्री में जाओगे एंड हिस्ट्री में अभी लाइक का ऑप्शन भी दिखाता है। जी हाँ, बिल्कुल सही सुन रहे हो, पहले आप लोगों को नहीं दिखाता था, ठीक है, बट अभी आप लोगों को यहाँ पे लाइक भी आप लोग काउंट कर सकते हो, मतलब देख सकते हो कि कितना लाइक आप लोगों को पिछले गेम में मिला है। एंड ये पहले आप लोग नहीं कर सकते, अगर आप लोगों ने नहीं देखा कि लाइक आपको कितना मिला है तो आपको पता ही नहीं चलेगा, बट अभी ऐसा सीन नहीं है, आप लोगों को देखने के लिए मिल जाएगा कि कितना लाइक मिला है। तो ये मेरे हिसाब से काफ़ी मज़ेदार कर दिया। तो एनीवेज आप लोगों को कैसा लगा गाइस ये चीज़ जान के, ये भी मेरे को नीचे कमेंट करके जरूर से बताना। फैन भाई लोग, आप लोगों में से बहुत सारे बंदे मेरे से ये पूछते रहे थे कि भाई अपना लोगो कैसे बनाया, ठीक है, हमें भी बनाना है ऐसे लोगो। तो गाइस मैं आप लोगों को बता दूं, अगर आप लोगों को ऐसे लोगो बनाना सीखना है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में आप लोगों को वीडियो का लिंक मिल जाएगा, जिसने मेरा लोगो बनाया था वही गाइस सिखा रहा है, आप लोग भी जाके वो वीडियो देख सकते हैं। हाँ भाई के चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। फाइनली आते हैं टॉप 1 नंबर लिस्ट में, जो गाइस मिस्ट्रेस फैक्ट आता है जिसकी वजह से अभी तक आप लोग गाइस वेट कर रहे थे, ये था कि गाइस डायमंड हम लोग ट्रांसफर क्यों नहीं कर सकते। जैसे कि हम लोग चीजें गिफ्ट वगैरह ट्रांसफर कर सकते हैं एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट में, वैसे यहाँ पर डायमंड क्यों नहीं ट्रांसफर कर सकते। तो इसके पीछे एक बहुत ही बड़ा मिस्ट्रेस रीजन है, एंड इसे बताना से पहले मैं आप लोगों को कुछ चीजें बताना चाहूंगा। जैसे कि गाइस आप लोगों को पता होगा फ्री फायर में जब पहले डायमंड टॉप अप करते थे बंदे, ठीक है, तो वो क्या करते थे, अगर उनके पास कुछ नए चीज नहीं है फ्री फायर में आया हुआ स्टोर में, उनके अकाउंट में नहीं है, तो वो गाइस क्या करते थे कि एक अलग से अकाउंट बनाते थे, मतलब नूब अकाउंट बनाते थे ऐसे गेस्ट अकाउंट टाइप, एंड उसमें वो लोग गाइस जितना चाहे उतना डायमंड टॉप अप कर लेते थे, फिर उसके बाद पैसा रिफंड कर लेते थे। मतलब आप लोगों को पता होगा फ्री फायर में रिफंड भी कर सकते हैं, ठीक है, तो इसी वजह से गाइस वो नूब आईडी में डायमंड टॉप अप कर लेते थे, देन उसके बाद वो अपने मेन आईडी में गिफ्ट कर लेते थे, देन उसके बाद वो गाइस रिफंड भी कर लेते थे, मतलब उनका पैसा भी वेस्ट नहीं हुआ एंड उनको चीज भी मिल गया गिफ्ट की मदद से। बट गाइस जब गरीना को इसके बारे में पता चला तो यहाँ पे क्या किया उन्होंने कि जो भी बंदा नया अकाउंट बनाता है उसको 10 लेवल अकाउंट कंप्लीट करना पड़ेगा, तब जाके वो गिफ्ट कर सकता है कुछ। बट फ्री फायर प्लेयर्स तो और भी ज्यादा साड़े थे, उन्होंने गाइस 10 लेवल भी कंप्लीट कर लेते थे फिर उसके बाद भी रिफंड करते थे, ठीक है, बट अभी गाइस गरीना वाले 20 लेवल कर दिया गया, एंड 20 लेवल करना एंड ये सब करना बहुत मुश्किल है, तो इसी वजह से इतना ज्यादा ये सब नहीं होता है, ठीक है। तो मान के चलो गाइस यहाँ पे गिफ्ट के, मतलब जब गिफ्ट ही गरीना वालों ने गिफ्ट स्टोर में दे रखे एंड गाइस गिफ्ट की मदद से इतना ज्यादा स्कैम हो रहा है, ठीक है, फ्री फायर प्लेयर्स इतना ज्यादा स्कैम करते हैं, अगर वो मान के चलो यहाँ पर डायमंड दे दिया कि हाँ तुम डायमंड भी गिफ्ट कर सकते हो, कपड़े जैसे गिफ्ट करते हो वैसे डायमंड भी गिफ्ट कर सकते हो, फिर तो गाइस पूरा बवाल हो जाएगा, क्योंकि अगर फ्री फायर प्लेयर्स को मतलब यहाँ पे 50 लेवल भी कंप्लीट करना पड़े तभी भी वो करेंगे एंड वो यही ट्रिक यूज करेंगे कि रिफंड करना वगैरह, ठीक है, एंड गिफ्ट करना, एंड वो नूब आईडी में गाइस आप लोगों को पता होगा कि 29 का ड्रॉप भी आता है, तो ये सब करके मतलब सारे डायमंड्स वो अपने मेन अकाउंट में ट्रांसफर कर लेंगे, एंड इसकी क्या होगा कि इसकी वजह से गाइस जो भी बंदे अपने मेन आईडी में टॉप अप करते थे वो करना ही बंद कर देंगे, तो इससे तो गरीना को बहुत नुकसान होगा। तो इसी वजह से गाइस यहाँ पे फ्री फायर ने चीज़ें दिया गिफ्ट करने के लिए, ठीक है, बहुत सारे कपड़े वगैरह दिए, बैकपैक दिए, बट यहाँ पर डायमंड नहीं आया अभी तक गिफ्ट करने के लिए, एंड ये मेरे हिसाब से कभी भी नहीं होगा कि आप लोग एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट तक डायमंड गिफ्ट कर सकते हो, क्योंकि अगर ये हुआ तो गाइस गरीना को बहुत ज़्यादा नुकसान होगा, क्योंकि गाइस बंदे जो है जिनके आईडी में टॉप अप करना होता है वो टॉप अप भी नहीं करेंगे या फिर, तो या दैट्स द रीजन गाइस यहाँ पे इसीलिए ये जो कि फ्री फायर में डायमंड ट्रांसफर का सिस्टम नहीं दिया अभी तक। सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो, आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा गाइस, अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर देना एंड शेयर कर देना अपने एक दोस्त के साथ, एंड मिलता हूँ मैं आप लोगों से एक और नए वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय एंड लव यू ऑल।